नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं के दूसरे लेसन के अंतर्गत हमने कल आर्थिक वृद्धि की टिप्पणी और उसकी मर्यादा और आर्थिक विकास की टिप्पणी और मर्यादा की बात हमने की थी। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का हमने पूर्णतः परिचय प्राप्त किया था। आज मैं आप लोगों को 3 अंकों का एक और प्रश्न, अगर आपने आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ा है तो आप लोगों को ये प्रश्न सरलता से समझ में आ जाएगा। और ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड के IMP प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है। सवाल है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का अंतर। यदि आपने आर्थिक विकास की टिप्पणी पढ़ी है, यदि आपने आर्थिक विकास का परिचय प्राप्त किया है तो आपके लिए ये सवाल कोई खास तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं रहेगा। फिर भी जब भी अंतर लिखते हो तो बीच में एक लाइन खींचकर अंतर लिखा जाता है। और लगभग 3 अंकों के प्रश्न के अंतर्गत 5-5 अंतर के मुद्दे लिखने रहेंगे। मैं आपको 7-7 मुद्दे बताने वाला हूँ, पर आपको 5-5 मुद्दे तो एटलीस्ट लिखने रहेंगे। सबसे पहले आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत का पहला मुद्दा, उसकी परिभाषा याद करो। परिभाषा के किसी भी देश की आय में सतत होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। आर्थिक विकास के सामने उसकी परिभाषा लिखोगे कि किसी भी देश के लोगों की आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में होने वाले सुधार को आर्थिक विकास कहा जाता है। दोनों की परिभाषा हो गई। दूसरा मुद्दा आर्थिक वृद्धि के साइड, कि आर्थिक वृद्धि का जो ख्याल है वो विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है। आर्थिक वृद्धि का जो ख्याल है वो विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक विकास के साइड अपने मुद्दा अपना आप बना लोगे कि भाई आर्थिक विकास का जो ख्याल है वो विकासशील देशों के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा मुद्दा दोनों के अंतर्गत, अब विकसित देश कौन कौन से है, तो तीसरा मुद्दा लिखो कि आर्थिक वृद्धि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में देखा जाता है। सामने आर्थिक विकास के अंतर्गत लिखोगे कि भाई आर्थिक विकास का जो ख्याल है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे विकासशील देशों में देखा जाता है। 3-3 मुद्दे हो गए। चौथा मुद्दा आर्थिक वृद्धि के साइड, कि आर्थिक वृद्धि को आय के द्वारा नापा जाता है। चौथा मुद्दा आर्थिक वृद्धि को आय के द्वारा नापा जाता है। सामने लिखोगे कि आर्थिक विकास को लोगों के जीवन स्तर और आय दोनों के द्वारा नापा जाता है। पांचवा जो मुद्दा है कि आर्थिक वृद्धि का जो ख्याल है वो कठिन है और आर्थिक विकास का जो ख्याल है वो सरल है। अर्थात क्या मुद्दा बनेगा कि आर्थिक वृद्धि को मापना सरल है, आर्थिक विकास को मापना कठिन है। छठा आगे का मुद्दा लिखना हो तो कि आर्थिक वृद्धि, विकसित देश कितने हैं तो कि बहुत कम है, तो आर्थिक वृद्धि का क्षेत्र सीमित है, मर्यादित है। सामने आर्थिक विकास में लिखोगे कि आर्थिक विकास का जो ख्याल है वो व्यापक है, आर्थिक वृद्धि का जो ख्याल है वो सीमित है और आर्थिक विकास का जो ख्याल है वो सीमित है। आर्थिक वृद्धि में केवल आय की गणना होती है, अर्थात आर्थिक वृद्धि एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। तो सामने क्या लिखोगे आर्थिक विकास के अंतर्गत, कि आर्थिक विकास का ख्याल बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। ये एक ध्रुवीय है तो बहुध्रुवीय है, ये तो द्विध्रुवीय है। और वापस एक बार सारे मुद्दे टैली करने हो तो कर लीजिएगा, 6-7 मुद्दे बनते हैं। मुद्दे के अंतर्गत दोनों साइड परिभाषा, दोनों साइड विकसित और विकासशील देश, दोनों साइड देशों के नाम, एक का मापन सरल है, एक का मापन कठिन है, एक को आय के द्वारा नापा जाता है, एक को लोगों के जीवन स्तर के द्वारा नापा जाता है, एक का क्षेत्र सीमित है, एक का क्षेत्र व्यापक है। पर इस तरह से 3 अंकों के अंतर्गत आर्थिक विकास और वृद्धि
का मस्त और बढ़िया सा आप अंतर लिख सकोगे। धन्यवाद।